पटना में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे राजधानी में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। गंगा के दियारा क्षेत्र से लोग नावों के जरिए अपने सामान और पशुओं को लेकर ऊंचे स्थानों पर पलायन कर रहे हैं। पटना प्रमंडल के आयुक्त संजय अग्रवाल ने बताया कि बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत शिविर, सामुदायिक रसोई घर और पशुओं के लिए चारा सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है। देखिए, गंगा के जलस्तर में लगातार वृद्धि के कारण पटना के अलावा 15 जिलों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है और उसको लेकर के सभी जिला प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। लगभग 250 से अधिक कम्युनिटी किचन चलाए जा रहे हैं और उसमें 2,00,000 से अधिक लोग ने कल भी खाना खाया और प्रतिदिन यह संख्या अभी बढ़ रही है। राज्य सरकार के द्वारा रिलीफ सेंटर्स भी प्रारंभ किए गए हैं, SDRF और NDRF की टीमें लगाई गई है और नाव की भी व्यवस्था की गई है ताकि जो लोग पानी से बाहर निकल करके सुरक्षित स्थानों पर जाना चाहे उनको निःशुल्क व्यवस्था की जा सके।